हेलो, नमस्ते। हाउ आर यू ऑल टुडे? एक्चुअली आप लोगों के साथ ये वीडियोस शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप जानते हो, हम पिछले कुछ वीडियो से नीटनेस के साथ मेहंदी किस तरह से बनानी है और अपनी खुद की डिज़ाइन किस तरह से बनानी है वो सीख रहे हैं। और हमारा ये पांचवा वीडियो है और अगेन हम इसी लेआउट को लेके डिज़ाइन बनाएंगे। जितनी मुझे खुशी हो रही है, मुझे मज़ा आ रहा है आप लोगों को सिखाने में। क्या आप लोगों को सीखने में मज़ा आ रहा है? कमेंट के ज़रिए मुझे बताइए। अब भी कमेंट कीजिए कि हाँ जी, हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। अब चलिए, और एक और बात भी हमें बताइए कि ये जो हम लेआउट ले रहे हैं उसमें कुछ नया लेयर ऐड किया जाए, कुछ और इसको एडवांस बनाया जाए। अगर हाँ तो लिखिए वो भी कि हाँ जी, अब कुछ और उसको एडवांस बनाते हैं। तो क्या एडवांस बनाएंगे? अब जो हमारा लेआउट है कि यहाँ पर एक डिज़ाइन का ब्लॉक और यहाँ पे एक डिज़ाइन का ब्लॉक कर्व में, अब ये सेम कर्व क्या हम यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं? जी हाँ, हम कर सकते हैं। तो आज वही ट्विस्ट होगा हमारे वीडियो का, आज की डिज़ाइन का, कि अब हम जो लेयर ऐड करेंगे, एक और लेआउट में हमने लेयर दिया है कि कर्व एलिमेंट, ये हमारा जो बॉर्डर एलिमेंट है इसके नीचे भी एक कर्व एलिमेंट। अब क्या हो सकता है कि जिस तरह से हमारे यहाँ तक के जितने भी वीडियो आए हैं, वहाँ उस वीडियो में मैंने इस एरिया में, पाम के एरिया में, आपको कर्व के सेक्शन में जितना भी कुछ सिखाया है, आप वो सारे बातें यहाँ पे रिपीट कर सकते हो। हो गया ना आपका पूरा डिज़ाइन? ब्राइडल लेंथ तक आप पहुँच सकते हो। इमेजिन कीजिए, सिर्फ आपने एक ही लेवल उसको डाला है कि कर्व एलिमेंट यहाँ है तो कर्व एलिमेंट आपने यहाँ डाला है। कर्व एलिमेंट आप इस तरफ भी डाल सकते हो। अभी वो एक दूसरा नया लेआउट हो जाएगा। मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती किसी भी चीज़ को, इसीलिए हम यहीं पे स्टिक रहते हैं कि जो मैंने यहाँ पे सिखाया था आपको कि सिर्फ ये कॉर्नर बनाइए, बॉर्डर बनाइए, कॉर्नर बनाया, बॉर्डर बनाया, यहाँ पे आप पेसली राउंड पेटल से पूरा एक अरेंजमेंट कीजिए, तो वो सेम अरेंजमेंट आप यहाँ पे भी कर सकते हो। हमने यहाँ पे पिकॉक लिया था तो वो पिकॉक आप यहाँ पे भी बना सकते हो। हमने फ्लोरल अरेंजमेंट किया था वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, और फिर यहाँ पे कुछ और कर सकते हो। तो हो गया ना एक लेवल अप। अब आगे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं है, तो चलो मैं विदा लेती हूँ। नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। मैं एक पूरा आपको एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन करूँगी। इस तरह से मैं छोड़ के नहीं जा सकती आधा लेसन। चलिए, और अब हम कुछ एलिमेंट भी एडवांस लेवल के लेंगे। बातों में ही एक्सप्लेन करने में भी बहुत टाइम चला जाता है, और तब हमारे नए ऑडियंस को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ बातें ही करती रहती हूँ, सिखाती तो कुछ हूँ ही नहीं। तो हमारे नए ऑडियंस के लिए हम कुछ ड्रॉ करके भी बता देते हैं। ये हमारा रेफरेंस लाइन है, बेस लाइन है, ब्रेक लाइन है, आप जो भी इसको कह लें, कि जो हमारा बॉर्डर यहाँ पे आएगा इसका ये ब्रेक लाइन है। मैं यहाँ पे थोड़ी छोटी सी कफ की बॉर्डर बना रही हूँ, रिस्ट की बॉर्डर बना रही हूँ। आपको अगर डिज़ाइन को लंबा बनाना है तो आप उस बॉर्डर को बड़ा कर सकते हो। तो डिज़ाइन को मोटा, छोटा, लंबा, पतला, जो भी करना है उस हिसाब से आप अपने एलिमेंट को बड़ा कर बना सकते हो, कम करके बना सकते हो। ताकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए मैंने इसको बॉर्डर को छोटा बना दिया। अब हम थोड़े से हमारे बॉर्डर एलिमेंट यहाँ पे डालेंगे। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है डिज़ाइन में बॉर्डर एलिमेंट, क्योंकि वो हमें ब्रेक देता है। हमारे ब्रेक एलिमेंट होते हैं, तो मैं वो बना के आपको मिलती हूँ।
ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं तो नए नए एलिमेंट भी हम इस्तेमाल करते जाएंगे। अब यहाँ पे हमें कर्व एलिमेंट देना है, आप और एक लेयर देना चाहो तो दे सकते हो बॉर्डर एलिमेंट का, लेकिन एज यूजल मेरे पास जगह कम है इसीलिए मैं कर्व एलिमेंट भी यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा ड्रॉ करूँगी। तो मैं यहाँ पे लूँगी हमारा पिकॉक। देखिए मैं थोड़ा सा स्पीड में ड्रॉ कर रही हूँ, मेरी लाइन इसलिए हिल रही है, लेकिन आपको क्या करना है वो आपको मालूम है। स्लो कोन की मेथड से धीरे धीरे हर एक एलिमेंट को ड्रॉ करना है, क्योंकि मैं आप लोगों के समय के ऊपर भी ध्यान दे रही हूँ। मैंने आपको कहा कि हम थोड़ा सा डिज़ाइन को एडवांस लेवल पे ले जा रहे हैं, इसीलिए हम थोड़े से एडवांस एलिमेंट यहाँ पे डाल रहे हैं। इसलिए मैंने ये पत्ती को डाला जो थोड़ी सी चैलेंजिंग है, सबको पसंद तो बहुत आती है लेकिन थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है ये। अब हम इसको थोड़े से एम्बलिशमेंट के डेकोरेटिव एलिमेंट देके ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो एंडिंग देना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी डेकोरेटिव एलिमेंट आप दो, ऐसे वो बेल भी आप वहाँ यहाँ पे बनाओ, आपकी मर्ज़ी। अब ये तो ख़त्म, जानते ही हो आप क्या आपको ही करना है यहाँ पे। अब हम थोड़े से अच्छे वाले चेक्स लेंगे, अच्छे वाले मतलब जो आपकी डिज़ाइन को थोड़े से चैलेंजिंग बनाए, थोड़ा सा एडवांस लुक दे। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो किसी भी तरह का चैलेंजिंग एलिमेंट को लेके, तो प्लीज़ आप अपने बेसिक पे कायम रहो। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि कोई भी रेस में दौड़ के अपने काम को ख़राब करो। अब इसके ऊपर भी आप वो वाला बना सकते हो, ये जो हम स्क्वायर के ऊपर बनाते हैं ना, सीड्स ऑफ लाइफ, फ्लावर ऑफ लाइफ, ये तो करना ही करना है। फिर ये मत कहना मैंने बताया नहीं, ये तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ अगर मैं भूल जाऊँ, लेकिन आपको करना ही करना है। चलो मैं ये कंप्लीट करके आपको मिलती हूँ। अब ये सारे बेसिक स्टेप्स तो आप लोगों को मेरे बताए बिना ही कंप्लीट करने हैं कि किस तरह से ब्रेक डिज़ाइन करनी है। चलिए अब हम हमारे कर्व एलिमेंट पे आते हैं। क्या लेंगे? पिकॉक हो गया, फ्लोरल हो गया, अब क्या कुछ नहीं बाकी रहा, तो हम सिंपल सा लेकिन छोटा वाला एक कर्व बनाएंगे। वापस हमारे जो फर्स्ट वीडियो में हमने कर्व बनाया था उसी तरह, क्यों? क्योंकि हम इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनेगी उसमें ट्विस्ट लाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसके ऊपर जो डिज़ाइन आएगी उसके ऊपर चेंज लाएंगे। ये हमारी ब्रेक लाइन है, ये हमारी बॉर्डर है जो कर्व हमारा शेप है उसको बाकी के डिज़ाइन से अलग करेगी, तो इसीलिए वहाँ पे लाइन वेरिएशन, बॉर्डर एलिमेंट्स ज़रूरी है। छोटे छोटे नियम हैं, भूल जाते हैं हम, इग्नोर कर जाते हैं और इसीलिए हमारी डिज़ाइन एक जगह पे रह जाती है और हमें लगता है कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, क्या कमी है। अब इसके अंदर क्या भरोगे वो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, हम इसके ऊपर की डिज़ाइन के बारे में सोचते हैं, उसकी चिंता करते हैं। मैं एक और थोड़ा सा बॉर्डर एलिमेंट यहाँ पे
दे देती हूँ। ठीक है, और अब हम लाएंगे हमारे पिकॉक को यहाँ पे, हमारा सिंपल वाला पिकॉक जो हम हमेशा ड्रॉ करते हैं, उसको हम इस जगह पे लेके आएंगे। अब देखिए, मैंने अब हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे एक कर्व एलिमेंट है, यहाँ पे भी एक कर्व एलिमेंट है, और मैंने इन दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है। क्यों? क्योंकि हम पिकॉक के ऊपर लाइन देंगे, हमारी लाइन वेरिएशन, तो उसके लिए हमें जगह चाहिए। अब नहीं है जगह तो आप उसको आधा आधा छोड़ सकते हो, लेकिन अगर हम प्लानिंग के साथ करते हैं तो हम जगह बना सकते हैं। धीरे से, बहुत ही धीरे से, बहुत सावधानी के साथ लाइन बनाइए। वन स्ट्रोक से नहीं हो रही है तो जानते हैं आप, धीरे से उसको नीचे रख दीजिए और फिर वापस बनाना शुरू कीजिए। यहाँ पे मैं सिर्फ दो लाइन बना रही हूँ, एक हमारी ये रेफरेंस लाइन जो है, इसके अंदर फिलर एलिमेंट आ जाएंगे, उसके बाद वो लाइन मोटी हो जाएगी। फिलर एलिमेंट आने के बाद, तो फिलर एलिमेंट तो आपको करने हैं, मैं तो सिर्फ इसको मोटा बना रही हूँ लाइन को। ये भी हमारा एक शेप है, तो शेप का जो हमारा बॉर्डर है उसको डेकोरेट करना ज़रूरी है, और इसलिए मैं हर एक बॉर्डर को डेकोरेट करके, रिपीटेटिव डिज़ाइन हो जाती है फिर भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेप होता है डिज़ाइन में। अब यहाँ पे आप, चलिए हम गल्फ की पत्तियाँ डाल देते हैं, इसका इस्तेमाल हमने नहीं किया। गल्फ की पत्तियाँ स्लांटेड जा रही हैं, कई बार बिगिनर्स इस तरह से खड़ी हुई पत्तियाँ बना देते हैं तो इतनी खूबसूरत नहीं लगती, तो ध्यान रखिए। ठीक है, ये मेरा बार बार खिसक जाता है, आई एम नॉट यूज टू दिस। अब ये जो साइड का एरिया है उसको सिंपल फिलर एलिमेंट से भरना है, छोटे वाले, बड़े वाले, जो भी हो। अगर आपको बहुत ही सिंपल जाना है तो ये हमारे बारीक वाले फ्रिल फ्लावर, दो लेयर, तीन लेयर, जो आपको मुनासिब लगे। तो इस एरिया को पूरा इस तरह से भरो। अगर आपको कुछ और अच्छे से कुछ बनाना हो, कुछ प्रैक्टिस करना हो, कोई फिलर एलिमेंट, उसका इस्तेमाल करो। यहाँ पर आप लेयर्ड फिलर एलिमेंट इस्तेमाल करो। अगर आपको रिवर्स का भी प्रैक्टिस करना है, रिवर्स डिज़ाइन का, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, इस पोर्शन में कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, एक इस तरह से बॉर्डर दे दीजिएगा। तो आपने वापस कर दिया इस बड़े वाले पोर्शन को सेक्शन। अब फिंगर की डिज़ाइन आप जो करना चाहो कर सकते हो। मैंने बहुत आसानी से आपको ये लेआउट एक्सप्लेन कर दिया है, और हमने इस बार थोड़ा सा इसको एडवांस लिया है, कुछ एडवांस एलिमेंट के इस्तेमाल से भी, और हमारे लेआउट में एक नया लेयर ऐड करके भी। तो बाकी की डिज़ाइन आप जानते हो, आप लोगों को कंप्लीट करनी है। और ज़्यादा आप देखना चाहते हो इस सेम लेआउट में, और ज़्यादा
कैसे आप इस डिज़ाइन को एडवांस लेवल पे ले जाते हो, कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो। आपको अगर और देखना है तो कमेंट के ज़रिए मुझे बताइए, मैं और वीडियो बनाऊंगी सेम लेआउट लेकिन एडवांस लेवल, जो हम ब्राइडल मेहंदी में इस्तेमाल करते हैं उस तरह की डिज़ाइन, और इस से आगे उसको किस तरह से ज़्यादा लेयर्स देने हैं वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। लेकिन आपको मुझे कमेंट के ज़रिए बताना पड़ेगा कि आप इसको एंजॉय कर रहे हो, इस वीडियोस को आप और सीखना चाहते हो इसमें ही, डिज़ाइनिंग में ही, तो मैं वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाते हुए। तो आप डिज़ाइन को कंप्लीट कीजिए, फेसबुक पेज पे हमारे साथ शेयर कीजिए, कुछ गाइडेंस चाहिए तो बताइए, हम ज़रूर आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी हम वापस मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर, कीप इंस्पायरिंग एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू।